हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, अकबर एंड बीरबल की। हरा घोड़ा। एक दिन बादशाह अकबर घोड़े पर बैठकर शाही बाग में घूमने गए। साथ में बीरबल भी था। चारों ओर हरे भरे वृक्ष और हरी हरी घास देखकर बादशाह अकबर को बहुत आनंद आया। उन्हें लगा कि बगीचे में सैर करने के लिए तो घोड़ा भी हरे रंग का ही होना चाहिए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए। तुम मुझे 7 दिन में हरे रंग का घोड़ा ला दो। यदि तुम हरे रंग का घोड़ा ना ला सके तो हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। हरे रंग का घोड़ा तो होता ही नहीं, बादशाह अकबर और बीरबल दोनों को यह मालूम था। लेकिन बादशाह अकबर को तो बीरबल की परीक्षा लेनी थी। दरअसल इस प्रकार के अटपटे सवाल करके वे चाहते थे कि बीरबल अपनी हार स्वीकार कर ले और कहें कि जहांपनाह, मैं हार गया। मगर बीरबल भी अपने जैसे ही एक ही थे। बीरबल के हर सवाल का सटीक उत्तर देते थे कि बादशाह अकबर को मुँह की खानी पड़ती थी। बीरबल हरे रंग के छोड़ की खोज के बहाने 7 दिन तक इधर उधर घूमते रहे। 8वें दिन वे दरबार में हाजिर हुए और बादशाह से बोले, जहांपनाह, मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया है। बादशाह को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, जल्दी बताओ कहाँ है हरा घोड़ा। दरबार में उपस्थित होकर बीरबल ने बादशाह के सामने क्या शर्त रखी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, घोड़ा तो आपको मिल जाएगा। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे खोजा है, मगर उसके मालिक ने 2 शर्त रखी है। पहली शर्त तो यह कि घोड़ा लेने के लिए आपको स्वयं जाना होगा। यह तो बड़ी आसान शर्त है। दूसरी शर्त क्या है? घोड़ा खास रंग का है, इसीलिए उसे लाने के दिन भी खास ही होगा। उसका मालिक कहता है कि सप्ताह के 7ों दिन के अलावा किसी भी दिन आकर उसे ले जाओ। बादशाह अकबर बीरबल का मुंह देखते रह गए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, हरे रंग का घोड़ा लाना हो तो उसकी शर्त भी माननी ही पड़ेगी। बादशाह अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। बीरबल की चतुराई से वह खुश हुए, समझ गए कि बीरबल को मूर्ख बनाना सरल नहीं है। फ्रेंड्स, यदि यह वीडियो मेरा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।